तीसरी एंट्री क्या होगी? फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व कितना? 2,000 यूज हो गया तो 18,000। हाँ बेटा, कौन सा वाला? अच्छा, हाँ तो बना लो। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? एक्चुअली में क्या है ना कि ये क्वेश्चन में अपन लोगों ने कौन सी एंट्री पास की है, फॉरफिटेड वाली, और ये लोग कह रहे हैं जर्नलाइज करो, तो फिर उसका मतलब ये कि वो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन 4 है। क्लियर है ना? इसको मैं डायरेक्ट करूँ ना तो बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना आएगा बताओ? इसमें 20,000 शेयर थे इशूड। बच्चों देखो ध्यान से, देख पा रहे हो आप? मैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ पूरा फुल फ्लेज्ड, 20,000 शेयर्स पे 25 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? हाँ ,00,000। ठीक है, बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना होगा? 5,00,000। फिर बाय इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना होगा? 5,00,000। हेलो, फिर देखो क्या हो रहा है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू फॉरफीटेड शेयर्स कितना कितना? 10,000 और 20,000। ठीक है बच्चों, एक उसके बाद फिर बाय बैंक और बाय फॉरफिटेड शेयर्स ,28,000 और 2,000, टू बैलेंस कैरीड डाउन 15,00,000। बोलो। ठीक है, बस मैंने लेजर बना दिया है उसका। जर्नल एंट्री हम जो करते हैं उसका लेजर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। क्लियर है ना? नॉर्मली बन सकते हो। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, इसमें अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं?
हो गया ये। चलो अब 51। ठीक है 51 देखो। आरपी लिमिटेड फोरफीटेड, ठीक है, कितने शेयर्स? 1500 शेयर्स फोरफीटेड। ठीक है ऑफ 10 इंच। ओके देखो 10 फेस वैल्यू है, ठीक है, बट 13 जो है वो इशू प्राइस है। 3 रुपीज क्या है बेटा? प्रीमियम। ठीक है अनपेड क्या है? फर्स्ट कॉल कितने का है? ₹3 का फर्स्ट कॉल। ये क्या है? अनपेड। ये लिखा हुआ है ₹3। देखो दिख रहा है ना? ठीक है सेकेंड कॉल कितने का कहलाया? 9, 10, 11। ₹3, ₹3 का सेकेंड कॉल। ये भी क्या है? अनपेड है। कैसे पता अनपेड है? ये लिखा हुआ है देखो, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, अच्छा नहीं, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। इसमें एप्लीकेशन पे कितना मंगाया बेटा? 3। अलॉटमेंट पे 2 प्लस 3, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकेंड कॉल पे 3। अच्छा हाँ सेकेंड कॉल ₹2 का। सेकेंड कॉल कितने का हो बेटा? ₹2 का। ये क्लियर है? हेलो ठीक है ना? 5, 3, 8, 9, 10, 11 और 12, 13, 2 बचे है ना। ₹10 का शेयर कितने में इशू किया? ₹13 में। ठीक है बच्चों थोड़ा सा वो वाला उठा लिया मैंने, है ना, लेकिन आ जाएगा समझ में। ठीक है थोड़ा ध्यान देना। ठीक है यहां तक का समझ में आया कि नहीं पहले ये बता दे। बेटा रहीम के अपन ने कितने शेयर्स फोरफीट किए? 1500, जो कि ऐसे ऐसे मंगाए गए थे, समझ रहे हो? लेकिन खास बात पता क्या है? भाई कितने के लिए किया था? 3000 शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था बेटा उसने? ये क्लियर है ना? इसका मतलब पैसा उसने ज्यादा भेजा हो। देखो अब ध्यान, अमाउंट रिसीव्ड कितना है? देखो 3000 × 3 कितना भेजा उसने बेटा? 9000। एप्लीकेशन ड्यू कितना था बेटा उससे? 1500 शेयर्स ही उसको अलॉट किए थे, तो 1500 शेयर्स के हिसाब से कितना हुआ? 4500। एडवांस उसका कितना बच गया बेटा? 4500। अलॉटमेंट कितना मंगाया अपन ने उससे? 2 पार्ट में था अलॉटमेंट, ठीक है, 1500 पे ₹2 शेयर कैपिटल के कितना हुआ? 3000। और 1500 पे ₹3 कितना हुआ?
45 ठीक है। क्या बोला हमने? उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, और क्या नहीं दिया बेटा? फर्स्ट को बच्चों अलॉटमेंट उससे कितना मंगाना था बताओ मुझे। ये पूरा अलॉटमेंट है, ये पूरा क्या कहलाया? अलॉटमेंट। दिक्कत जा रही है क्या? अपन एक फुल ब्लेजेड क्वेश्चन उठा लेंगे, मुझे बता देना। अगर समझ में नहीं आएगा ना तो मुझे बता देना, अपन फुल ब्लेजेड क्वेश्चन उठा लेंगे तो फिर अपन पहुंचेंगे इस पे आराम से, कोई इशू नहीं। ठीक है ना? तो कितना मंगाना था एक्चुअली में अपने को? से 7,500। देखो तुम ऐसे, मैं इसको ना बायफरगेट कर देता हूँ। रहीम नाम का जो बंदा था, ठीक है, उसने अप्लाई किया 3,000 शेयर्स के लिए, तो उसने जो अमाउंट भेजा वो 3 रुपए के हिसाब से 9,000 रुपये भेज दिया। कंपनी ने रहीम को बोला कि भैया हम तुमको सिर्फ 1,500 शेयर्स दे रहे, तो 1,500 शेयर्स के हिसाब से तुम्हारा बनता कितना है? 4,500। रहीम ने कहा मैंने तो भैया आपको 9,500 भेजे, तो कंपनी ने रहीम को बोला कि भैया देखो तुमको अलॉटमेंट का भी तो पैसा देना है, अभी फर्स्ट कॉल का भी तो देना है, अभी सेकंड कॉल का भी तो देना है, तो तुम्हारे जो 9,000 हैं उसमें से 4,500 तो तुम्हारे एप्लीकेशन के मान लिए हमने, बाकी 4,500 तुम्हारे हम कहाँ एडजस्ट कर लेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। हेलो, ठीक है, तो हमने उसके पैसे कहाँ पर एडजस्ट कर लिए? अलॉटमेंट। इसमें कोई दिक्कत है क्या बताओ? क्लियर है? तो अब हम अगर ये देखें कि रहीम से फिर हमने फर्स्ट कॉल भी मंगाया तो उनने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। फर्स्ट कॉल कितने का था? 3 रुपये। तो हमने रहीम से 1,500 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 4,500 मंगाए, वो उसने नहीं की। हमने कहा चलो भैया आप तुम्हारे शेयर्स जो है हम क्या करते हैं, फोरफीट। ठीक है, तो जब इसके शेयर फोरफीट करने गए तो हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका अनपेड अमाउंट क्या है। देखो फर्स्ट कॉल तो फुल अनपेड है, आप जैसे अलॉटमेंट पे इससे कितने मंगाने थे बेटा? 75। इससे अपने को ना 7,500 मंगाने थे, ये कह रहे अलॉटमेंट नहीं दिया, तो अपन ये नहीं बोल सकते कि इसने 7,500 नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसका एडवांस था कितना? 4,500। मतलब इसने दिया कितना नहीं? 3,000। आया क्या इसमें? बोलो, ये क्लियर है? इसके अलावा ठीक है, एक दो नोट हैं जो कि आप लिख लें जो कि इम्पोर्टेंट है। नोट यह है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक बार देख लो, लिखवा तो नहीं दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट तभी कैंसिल होता है जब पे ना हुआ हो, ये लिखवा चुका हूँ। लिखा है क्या? ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम तो लिख चुके हो ना? ठीक है, इसको लिखने की जरूरत है। चलो, तो बच्चों
देखो उससे ना अपने को अलॉटमेंट के कितने लेने थे, 2 रुपए तो अलॉटमेंट शेयर कैपिटल के थे 3,000, और 3 रुपए काय के थे सिक्योरिटीज प्रीमियम के। हेलो, देखो ध्यान से, ठीक है, फाइनल कॉल अभी तक किया नहीं। 1,000 शेयर्स फिर बाद में क्या कर दिया अपन ने, री इशू। ये क्लियर है क्या? देखो ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, जो 4,500 आए उसको पहले इसमें एडजस्ट कर लेते हैं, और बाकी के किसमें एडजस्ट कर लेते हैं, कितना हुआ? अनपेड प्रीमियम कितना कहलाया बेटा, बताओ? यही करें, आगे बढ़े, अभी यहां तक में क्लियर है कि नहीं? तो सुनो, एक काम करते हैं, पर लोग फुल फ्लेजेड वाला करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली बीच में बस प्रैक्टिस वाली बात है और कुछ नहीं, समझ ना रहे? ठीक है, ये एडवांस का भी केस है और प्रीमियम का भी केस है इस कारण से, ठीक है? मतलब वैसे तो सिंपल है, ठीक है, मैं इसको ना पहले तुमको बिल्कुल सिंपल वे में बता देता हूँ, ठीक है, उसकी डिटेल छोड़ करके। 7,500 रुपये मंगाने थे इससे, काय के अलॉटमेंट के, कितने भेजे इसने? 4,500, है ना? 7,500 के 2 पार्ट थे एक्चुअली, 3,000 प्रीमियम का था, सॉरी, 3,000 अलॉटमेंट मतलब शेयर कैपिटल का था, कितना था? 1,500 का 2, हाँ, और 1,500 का 3, कितना? 4,500 जो था वो किसका था? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दो बस पहले। तो हमको जो 4,500 आ गए हैं वो हमको तय करना पड़ता है कि कौन से वाले आ गए, क्योंकि तो हमको ये नहीं बोला कि शेयर कैपिटल वाले आ गए कि सिक्योरिटीज वाले। नहीं, बस यही इस वाले में ही बस ऐसा है, मतलब इस पॉइंट पर ही बस ये डिसीजन, यहां तक तो पहुंच गए होगे, इसके आगे में दिक्कत हो रही होगी ना, समझ ना रहे? तो यही बस एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है इसका, क्लियर है? ठीक है ना, मतलब तुम ये समझो कि उसके बाद फिर अपन लोग नॉर्मल कैंसिलेशन जो है वो वही उसी से कर लेंगे। नहीं, वो बुक के हिसाब से ही करना होता है अपने, तुम समझ गए हो? और बाकी सबको दिक्कत हो रही है क्या? नहीं आ रहा समझ में? चलो इसको स्टार लगा लो, है ना, इसको अपन लोग कुछ क्वेश्चंस के बाद करेंगे, क्लियर? ठीक है, अभी अपन लोग दूसरा कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा एक चीज सुनना, जो एंट्रीज अपन कर रहे हैं वो हर एक केस में वैलिड है, ये केस में 2-3 एडजस्टमेंट बस एक साथ आ, अपन लोग ये सारे एडजस्टमेंट एक एक करके जैसे ही पहुंचेंगे तो तुमको ये स्मूथ लगेगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों? जैसे कि ये वाला देखो, ये वाला देखो, हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरर, ठीक है, 52 वाला, बच्चों ध्यान से देखो, टोटल सब्सक्राइब कैपिटल इतना था,
7.5 रुपए। कॉल्ड अप था, कॉल्ड अप कितना था? 7.5। ठीक है, नहीं साढ़े सात कॉल्ड अप था, लेकिन फिर क्या बोल रहा है कि हमने 2.5 रुपए का कॉल भी कर लिया। देखो फाइनल कॉल अप 2.5 वॉज मेड, इसका मतलब कॉल्ड अप कितना हो गया बेटा? पूरा 10। ठीक है, तो टू कॉल्स जो है वो क्या कहलाए? अनपेड। कॉल्स कितने के थे? 2.5 रुपए ईच के थे, तो अनपेड कितना कहलाया? तो पेड कितना कहलाया? 5। समझ आ रहा है? 100 शेयर्स, इन शेयर्स को फोरफीट कर लिया और रीशू कितने पे कर दिया बेटा? 8 रुपए। चलो इनको फोरफीट करें, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 100 शेयर्स पे 10 रुपए के कॉल्ड अप थे, कितना हुआ? 1,000। टू फोरफीटेड शेयर्स कितना होगा? 500। टू फर्स्ट कॉल 250। टू सेकेंड कॉल 250। कोई डाउट है तो बताओ उसमें। बताओ कोई डाउट है तो आप पूरा लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, मतलब एग्जाम में नंबर कट जाते हैं इसलिए। हाँ बेटा, कहाँ लिखा है 100 ईच? 10 ईच ऑफ दिस 7.5 ऑफ आगे क्या लिखा है? और कोई डाउट है किसी को तो बताओ। हाँ शेयर कैपिटल में तो यही है क्या? बैलेंस अरे बैलेंस शीट इसमें बनानी पड़ेगी, लेकिन इसकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुम लोग वैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो सीख ही रहे हो, उसमें तो फुल फॉर्मेट है, इसमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाना है। मतलब इसमें बैलेंस शीट कितनी बनाने आएगी तुमको? देखो देखो, एक्सट्रैक्ट बनाने आता है इसमें, ये देखो, यानी एक जो नोट है ना बस वो, ये इतनी बैलेंस शीट बनाने आए। बैलेंस शीट का सिर्फ नोट वन तुम लोग ने बनाना सीख लिया है, स्टार्ट तो हो गया है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक आध बार फॉर्मेट सीखा है कि नहीं? बताया है ना, बस वो फॉर्मेट ही है कि भाई कंपनी में स्पेसिफिक तरीके से लिखते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा है। असेट साइड असेट ही आएंगे, लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी आएंगे, बस अब डिसिप्लिन आ जाएगा कि भाई पहले अगर शेयर कैपिटल आता है तो शेयर कैपिटल ही आएगा, और उसका नाम अगर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज है तो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज ही होगा, इसका नाम शेयर होल्डर्स फंड है तो उसका नाम शेयर होल्डर्स फंड ही लिखा जाए, और उनका जो सीक्वेंस है वो भी चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा फिक्स हो जाता है कंपनी वाले केस। जैसे इसमें होता है ना, पार्टनरशिप में अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, पहले फर्नीचर लिख दिया कि पहले अपन ने बिल्डिंग लिख दी, डजंट मैटर, कंपनी में ऐसा नहीं चलता, कंपनी में हर चीज बिल्कुल फिक्स्ड है। तो आपको सिर्फ पहला यानी इक्विटी शेयर कैपिटल का एक्सट्रैक्ट बनाने दिया जाएगा, ठीक सेम सब सीए में दिया है। कौन से क्वेश्चन पे थे अपन? हाँ चलो,
रीइश्यू करें इसको, कितने पे रीइश्यू हुआ ये? आठ पे। बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर रीइश्यू किए पूरे? 100 × 8 कितना हुआ? 800। कहां से यूज कर लोगे? फोरफिटेड शेयर्स। कितना? 200। फुली पेड अप किया है। सुनो सुनो सुनो, कुछ नहीं दिया तो मान के चल लो कि पूरा का पूरा यूज हुआ। ठीक होल्डअप तो पूरा ही था ना, तो इक्विटी शेयर क्या करे? 1,000। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बता दो बस। अब बताओ फोरफिटेड शेयर की कैपिटल रिजर्व कितने से हो गया? फोरफिटेड शेयर्स 2 कैपिटल। कैसे पता चला? 500 कमाए थे, 200 यूज कर लिए। कितना ठीक है, ये वाला कर पाओगे खुद से? 53 वाला करो जरा, 7.5। करो कुछ से। अभी
सुपरस्टार वाले की तरफ कैसे खेलते हैं, देख तो रहा नहीं है उसको, बस नहीं जबरदस्त जबरदस्त करवा अच्छा माउंटेन अगर कोई किया है इतना कॉल्ड है इतना कॉल्ड है क्वेश्चन के साथ से क्या है नहीं कि पूरी अकाउंटिंग इनविजिबल होती है कोई मेकअप करने दो एंट्री कर दिए एक कोरोना आगे की आगे की तरह में तो करते हो।
बस केवल मैनी कॉल वाज नॉट येट मेड मतलब कितना कॉल हो जाए फाइव हंड्रेड शेयर्स जो है वो फोरफिट हो गए। ठीक है, कॉल्ड अप कितना था? 90, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि 10 रुपए का कॉल अभी किया नहीं है। इसमें से 60% रीइश्यू हो गया, लेकिन ये बात की बात है। पहले अपन फोरफीचर कर लें, तो जितना कॉल्ड अप होता है उसी से इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर फोरफीट किए? 500। कितना कॉल्ड अप था? 90। कितना हुआ? 45,000। आधे लोगों के तो यही अमाउंट नहीं निकल पाए। फिर जो पे हुआ वो फोरफीटेड शेयर में, जो अनपेड है वो उसके अकाउंट में, जो भी अकाउंट था वो। तो टू फोरफीटेड शेयर्स